उमेश पाल हत्याकांड में इस केस के विवेचक ने न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना पत्र दिया था कि इनको इनको इसमें इस केस में न्याय का प्रक्षा में लिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस पर सुनवाई के लिए, क्योंकि धारा 167 में ये प्रावधान है कि उसके लिए मुलजिम का होना जरूरी है, इसलिए अदालत ने उनको जेल से तलब किया था। आज अदालत के सामने उनको पेश किया गया और प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना आदेश रिजर्व कर लिया है, कुछ देर में संभवतः सुनाया जाएगा। उसमें उमेश पाल हत्याकांड में इनको न्यायिक अपेक्षा में लेने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। अच्छा, एक ये थे कि रिमांड पे लेने की बात आ रही थी। हाँ, वो जुडिशियल रिमांड कहलाता है। पुलिस कस्टडी की अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। अपहरण मामले में रिमांड पे थे आज, हत्याकांड में नहीं, हत्याकांड में रिमांड पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड इस केस में इनको अपरक्षा में लिया जाए, लेकिन अभी पुलिस कस्टडी में लिए जाने का कोई प्रार्थना पत्र विवेचनाधिकारी ने नहीं दिया। इनसे जो भी पूछताछ होगी जेल के अंदर ही होगी। हाँ, अगर जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे तो जेल में ही पूछताछ कर सकते हैं। डीसीआर पुलिस कस्टडी मंजूर होगी तो जेल से बाहर ला के पूछताछ करेंगे, जैसे अतीक अहमद और अशरफ को इस केस पे किया गया था। इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, अभी आदेश नहीं हुआ। ठीक।